ग्राम पंचायत सलावटी माजरा रामगढ़ा की कहानी बच्चों की मौजुबानी। शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ा गुना में बच्चों को अपने स्कूल का नाम एवं अपने टीचर का नाम नहीं है पता। बता दें कि ना ही गिनती आती है, ना ही पहाड़े आते हैं, ना ही ABCD आती है, ना ही छोटा बड़ा आता है। हम आपको बता दें कि एक तरफ शिवराज सरकार बच्चों की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षक स्कूल के पास खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, बाथरूम में लगा है ताला। जब शिक्षक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। कई सालों के पदस्थ हैं अध्यापक, फिर भी नहीं दे पाए बच्चों को उचित शिक्षा। आप कैसे होगा बच्चों का विकास, क्या सुरक्षित रह पाएगा नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य। कहाँ आए थे आप? पानी भर। अच्छा, पानी भर। कहाँ रहते हो तुम? अंधकुआ। अच्छा जी, कौन सा गांव है? रामगढ़ा। स्कूल जाते हो? हाँ। क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते हो? नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा नाम? पापा मम्मी लिखवाई। अच्छा, पापा मम्मी ने क्यों नहीं लिखवाया पापा मम्मी ने नाम? तुम पढ़ना चाहते हो? क्यों? आप कह दो यार। क्यों आप कह दो बस। पढ़ना क्यों नहीं चाहते? आप आए हो? अच्छा। ये आपके नहीं कौन से लोग? तीसरी में हो क्या? नाम नंबर? हेलो, नाम बताओ। क्रेश, पूरा नाम बताओ बेटा। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है आपके? पापा का नाम है विष्णु। अच्छा, आपके टीचर कौन है पता है आपको? आपके माड़ा साहब का नाम पता है? नहीं है। स्कूल का नाम पता है आपको? अच्छे से बताओ, डरो मत, बताओ अच्छे से। अच्छा, आपके टीचर का नाम पता है आपको? नहीं है। स्कूल का नाम? नहीं है। 15 अगस्त जानते हो क्या होता है? 15 अगस्त नहीं जानते। अच्छा, क्या क्या आता है आपको पढ़ने में? क्या क्या आता है? जैकी को लंबी आती है, बैठनी आती है, समझ रहा है? क्या आता है? क्या आता है? समझ रहा है? पढ़ने नहीं आते आपको? अच्छा, लिखना आता है? कहाँ तक लिखना आता है? कहाँ तक? अच्छा, गिनती 100 तक आती है। और पहाड़े? पहाड़े बिल्कुल नहीं आते। ABCD आती है जी? ABCD कहाँ तक आती है? अच्छा बताओ, डरो मत, अच्छे बताओ। एक लाइन सुनो बच्चे। चलो ठीक है, नहीं है। क्या क्या आता है आपको? कौन आप आए कहाँ से भी? मेरा नाम देशराज राजपूत। आपका नाम तो काफ़ी सुना है क्योंकि आप चर्चित हैं जनसुनवाई में, काफ़ी बार आप चक्रों पर चक्र लगा रहे हैं। रामगढ़ा गांव की जो हकीकत है बहुत से लोगों सामने मिला है और उनकी समस्याएं भी जानी हैं, थोड़ा आप भी बताइए रामगढ़ा गांव की मेन जो समस्या है वो क्या है? सर, जैसे उनकी समस्याएं भी तो हैं, लेकिन दुख तो जिस बात का है कि मैं देखो गांव का उप सरपंच हूँ, मुझे पंचायत भी देखना पड़ता है, साथ में मेरे पापा पैरालिसिस हैं तो भी घर से आना जाना नहीं हो पाता। इस संदर्भ में मुझे खेती भी देखना पड़ता है और हमारी बहन बेटियों को और मेरी माँ का, वो भी घर का भी ध्यान रखना। अब दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी 3 पहिया की गाड़ी है वो तो आ ही नहीं सकती। अभी मैं इस भैया को लेके आया तो तुम जो देख रहे हैं, मैं 4 महीना से मेरे खेत पे नहीं गया। जब मैं खेत पे नहीं जाऊंगा तो फसल कैसे होगी? जब फसल नहीं होगी तो मेरी जीवन यापन कैसे चलेगा? सही। तो बताओ कैसे क्या करें, खाद माद कहाँ से ले जाना है? क्या क्या मेरे मजूर लग रहा है, लेकिन उन्हें देख के कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? सही बात।
तो जे दर्द हैगा, जे दर्द तो थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब दर्द के तो कोई से कहें कोई हमदर्द सुनने वाला नहीं है। अच्छा मैंने अभी थोड़ा नेट पे सर्च मारा था, रामगढ़ा गांव का नाम सिलावटी पंचायत में नहीं आ रहा, क्या बात है? सिलावटी के मजरा में है जो गांव मजरा है, सिंगल सिलावटी पंचायत आ रही। हाँ सिलावटी आती है, इस प्रकार तीन मोहल्ला है, एक चक है, रामगढ़ा है और एक ढांग है कुशवाओं की, इसी जो कि 200 के लगभग घर हैं उनमें सब में तीनों में। अच्छा यहाँ पर कोई विकास कार्य अभी अंकित ही नहीं हो रहा ऑनलाइन? हाँ नहीं हो रहा है ना। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि पंचायत को काम मिलता है, जैसे घर में एक मुखिया है, जैसे मैं मानता हूँ मैं उप सरपंच हूँ, तो मैं मेरे घर में जैसे तीन सदस्य हैं तो मुझे एक ही देना है कि दो को देना है या पूरा खाना है, तो काम तो मैं लेके आता हूँ सामुदायिक भवन से लेकर आंगनबाड़ी, मैंने बहुत से काम लिए 2014 से, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है जहाँ के लिए मैं जो लाया हूँ, लेकिन भी बीच में क्या सिलावटी में पूरे हो जाते हैं और कुछ कागजों में खाना पूर्ति हो जाती है, दो प्रकार से इस गाँव की घटना हो रही है। जबकि वोटन के टाइम पे बेकायदा आपको जहाँ वोट डलेंगे, अगर ये गांव अंकित नहीं है तो जहाँ आपको ये विधानसभा के वोट आने वाले हैं बेकायदा यहाँ वोट डलते हैं, बेकायदा हमारा नाम रामगढ़ा सिलावटी आता है, हम भी जाते हैं, हमारी पोलिंग बनती है, सब कुछ होता है, रिश्ते भी हैंगे, चार पांच बहनें हैं जहाँ गाँव में, हमारे भी रिश्ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारा गाँव वहाँ में नहीं है तो इसे बिल्कुल निगलेक्ट किया जाए। वो भी सही है, मान लीजिए प्रशासन तो अभी तक आपके और ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर इस विषय को लेकर आप और क्या मतलब कदम उठाना चाहेंगे? सर हम देखो एक आशा ही कर सकते हैं, जैसे एक भगवान के यहाँ जाए जाए से कुछ समाधान होता है, ऐसे ही मैंने कलेक्टर महोदय के पास कम से कम 51 बार जन सुनवाई में दे आया हूँ, तो एक आशा पे विश्वास चल रहा है ना, जो भगवान ने लिखा है वो तो होगा ही, दुख तो इसी बात का है कि हमारी तो जैसे तैसे जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी की जिंदगी दिन प्रतिदिन नरक जाती जा रही है। आपने अभी देखी उन लड़कियां वगैरह गई, कोई शिक्षित नहीं है, जब कोई शिक्षित नहीं है तो बद दिक्कत आ रही है, बच्चे जहाँ शिक्षित नहीं है बद दिक्कत आ रही है, आने जाने में आ रही है, कोई का आवास किसी के नाम है, यहाँ के सरपंच ने तका दूसरे इनके नाम आवास कर दिया, वो भी मैं तुम्हें अभियाल कुटी बताऊंगा, स्वयं सरपंच ही बेचता है तो आम जनता तो सीख ही जाएगी। आज कोई पात्र हितग्राही है वो आज भी टपरिया में जीवन यापन कर रहा है, और वो तो कहते हैं ना कि घोड़ा ने नहीं मिल रही घास और गधा खा रहा चवन प्रास, ये हाल हो रहा है इस गांव। चलिए सर धन्यवाद। कहीं के चुनाव आ रहे हैं वहाँ में आश्वासन देख चले जाए, पीछे नहीं जाए कोई लौट के। तो आपके ग्रामीणों को कहना है कि इस बार हम विधानसभा चुनाव में कोई वोटिंग नहीं करेंगे? कतई नहीं कर रहे, क्योंकि आगा का पाँव काटते हो, मैं भी उस गाँव का मुखिया हूँ, चूतिया थोड़ी है। कुल मिला के इस बार विधानसभा 470 वोट डरना है तो शिकर बार मत कहना, एक भी वोट नहीं डालेगा, एक भी वोट नहीं डालने दे रहा हूँ, तुमको जाके देख लियो, तुमको मंत्री विधायक कोई ये बुरी लगे तो वो आके डिस्कस करके देख लियो, हकीकत देखना वर्तमान को पूर्व को। सही बात है, जमीनी स्तर पे देखे आके क्या कंडीशन है, वर्तमान भूत भविष्य तीन पे देखे, यो हम झूठ कह रहे हो कहा तो लड़ू का ब्याह कहा कि बूढ़े इनकी लकड़ियाँ नहीं दे पा रहे, रिश्तेदार नहीं आ पा रहे, जो कि हमारी दुनिया में रिश्तेदारी है और हर आदमी से परचे